हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खुशबू। माय चैनल नेम इज़ फैशनेबल गर्ल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ एक स्किन केयर प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो कि है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम का रिव्यू लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सो ये जो फेस सीरम है, इसके बारे में आप लोगों को सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, कैसा इसका टेक्सचर है, कितने ml में हमें मिल जाता है, इसकी MRP क्या है और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हैं, किस तरीके से हमारे फेस पर काम करता है, तो सब चीज़ें इस सीरम के बारे में आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी। अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर देंगे, तो आप लोगों को ना वीडियो समझ आएगी, ना आप लोगों को ये सीरम के बारे में समझ आएगा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बताई। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर दे प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ फेस सीरम की वीडियो शेयर कर रही हूँ, कि हम फेस सीरम किस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, कैसा फेस सीरम होना चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। सो गाइस, यू कैन सी हम और गाइस, मुझे ये वाला सीरम सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो में गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम की वीडियो अपलोड कर रखी, जो कि 1 ml में मेरे को पर्पल ऐप की तरफ से सैंपल के तौर पे मिला था, पाउच में था, और उसकी वीडियो मैंने पहले भी शेयर कर रखी है। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो सीरम मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने फेस पे अप्लाई किया था, मुझे वो सीरम बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था, और वो मेरे को सीरम 1 ml ही मिल रखा था। ज़्यादा से ज़्यादा वो सीरम मेरा सिर्फ 2 दिन चला, क्योंकि 1 ml क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो वो सीरम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, और उस सीरम ने मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर दी थी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर दी थी, और मेरी स्किन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई स्किन के लिए तो ऑब्वियसली सीरम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और मैंने वीडियो में बोला भी था, बताया भी, सीरम की बॉर्डर परचेज करूँगी, तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज इसीलिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ये सीरम परचेज कर लिया है, और ये मैंने काफ़ी दिन हो गए मेरे को परचेज़ किए हुए। ये वाला सीरम मैंने पर्पल ऐप से ही ऑर्डर किया था, तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए। अब मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेडिएंट ग्लो, हमारे फेस पे ग्लो लाता है, ऐसा सीरम है ये। फर्स्टली हम बात करते हैं, तो बात करते हैं इसकी MRP की। तो MRP इसकी है 240, बट ये मेरे को 192 में मिला है। तो गाइज, ये जो गुड वाइब्स की प्रोडक्ट हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हैं, आप लोगों को पर्पल ऐप से डिस्काउंट में मिल जाएंगे, क्योंकि पर्पल ऐप पे डेली डिस्काउंट चलता रहता है। तो अगर आप लोगों को ये सीरम परचेज़ करना है, या पर्पल ऐप से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप लोग को डिस्काउंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2022, इसकी एक्सपायरी डेट है 2024, यानी कि इसकी हमें 2 साल की शेल्फ लाइफ मिल रखी है। शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी मिल रखी है इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी नेट वेट की, कि हमें कितने ml मिल जाता है। तो ये हमें 10 ml में मिल रखा है। और नेक्स्ट है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की, कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इसमें है आलमंड ऑयल, रोज हिप ऑयल, विटामिन ई, जोजोबो ऑयल, सेसम ऑयल, परफ्यूम, तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू यूज़, कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। अप्लाई 2-3 drops ऑफ द फेस सीरम ऑल ओवर ए क्लीन्स फेस। आप लोगों को सबसे पहले अपना फेस क्लीन रखना है। ऐसा नहीं कि आपने, आपका फेस गंदा हो रहा है, आपके फेस पे डर्ट, पॉल्यूशन, गंदगी चिपक रखी है, और आप लोगों ने उसी के ऊपर सीरम अप्लाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपना क्लीन करना है फेस, किसी भी आप फेस वॉश से या किसी भी सोप से अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा, हमें 2-3 drops लेनी है इसकी। जेंटली मसाज ऑन टू द स्किन विद योर फिंगर टिप्स अंटिल इट्स फुली एब्जॉर्ब्ड। तो आप लोगों को जेंटली मसाज करनी है अपनी स्किन पे, सर्कुलर मोशन में आप लोग जेंटली हल्के हाथ से मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं अपने फेस को, बहुत तेज़ी से मसाज नहीं करनी। और आप फिंगर टिप से, ये जो आपके फिंगर्स हैं, इस जगह से आप लोग मसाज करेंगे अपने फेस पे, उसके बाद ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसे लगाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसको यूज़ करने का तरीका। नेक्स्ट बात करेंगे बी केयरफुल ऑफ,
नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में इरिटेट स्किन फॉर सम पीपल डू अ पैस टेस्ट बिफोर फर्स्ट यूज इंग्रेडिएंट मे चेंज कलर विद टाइम बट डस नॉट अफेक्ट प्रोडक्ट कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इन्होंने ये चीज़ कही है कि इसको जो भी फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा वो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर ले, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सनस ऐसे भी होते हैं, काफ़ी सारे गर्ल्स लेडीज़ बॉयज़ जेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन पे नहीं सूट करता कोई प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है कि आप लोग एक बार पैच टेस्ट करके भी देख सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले हम कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें पैच टेस्ट करके जरूर देखना चाहिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे या फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो वो लोग पैच टेस्ट करके भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इस पे लिखा है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज, आप लोगों को अपनी आईज से इसे अवॉइड करना है, आप अपनी आईज के अंदर इसे ना जाने दें। सो नेक्स्ट लिखा है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, आपको इसे कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसका यूज़ सिर्फ एक्सटर्नल होगा, इंटरनल इसका यूज़ नहीं होगा। और ये नो पैराबेन है, नो सल्फेट है, नो एनिमल टेस्टिंग है। तो इसकी जो ऊपर से पैकेजिंग है वो रखिए कार्डबोर्ड में, आप लोग देख सकते। अब हम इसे ओपन करके देखेंगे कि ये अंदर से कैसा है। सो यू कैन सी बहुत ही छोटी सी बहुत ही क्यूट सी बॉटल में मेरे को मिला है, और आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बॉटल है वो ब्लू कलर की बॉटल मिल रखी है, डार्क ब्लू कलर की बॉटल में ये मेरे को मिल रखा है। यू कैन सी हमें ड्रॉपर में मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ड्रॉपर में मिल रखा है। हम अपने फेस पे इसे डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते तो आप अपने हैंड में लेके भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। अब देख लेते हैं इसका टेक्सचर कि इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस, मेरा ये वाला जो हैंड है राइट वाला ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, और मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है जिसमें मैंने जस्ट अभी सीरम अप्लाई करा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। सो यही कमाल होता है सीरम का कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग और रेडिएंट बना देता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका टेक्सचर, फर्स्ट टाइम गुड वाइब्स का सीरम ही अप्लाई किया है, और मेरी स्किन पे भी इससे कोई रिएक्ट नहीं हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तब भी मेरी स्किन पे कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर परचेज़ करना चाहिए, परचेज़ करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें कौन सी स्किन टाइप के लिए है। तो ये गाइस सारी स्किन टाइप के लिए है, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए। इस सीरम को ऑल स्किन टाइप वाले परचेज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाले अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो बनाता है, बहुत ज़्यादा रेडिएंट बनाता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। सीरम से हमारी स्किन अलग ही ग्लो करने लग जाती है। हम कोई भी मेकअप करते हैं, मेकअप करने से पहले हमें सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, हमारा मेकअप और ज़्यादा ग्लोई हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लो लुक देता है, बहुत ही ग्लोई लुक देता है, हमारी स्किन को इवन बनाता है और हमारी स्किन को पफिनेस से बचाता है। तो बहुत ही अच्छा होता है सीरम हमारी स्किन के लिए। सीरम हमें अपनी स्किन पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर सीरम का यूज़ करना चाहिए हमें अपने फेस पे। तो इसे आपको आने वाली वीडियो में अपने फेस पे अप्लाई करके भी ज़रूर दिखाऊंगी किस तरीके से मेरी स्किन पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर कर दें लाइक, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ऐसी मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए, और वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, एंड ऐसे ही मैं आप लोग के लिए नई नई वीडियोस बनाती रहूँगी। आप लोगों की किसी वीडियोस को लेके कोई क्वेरीज है, या फिर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। सो एंड आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।